हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप कनेक्ट करवा सकते हो पेन ड्राइव को वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ओके, वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर किस तरह से आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करवा सकते हो, शो करवा सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास पेन ड्राइव है सैंड डिस्क का, इसको मैं कनेक्ट करूँगा अपने कंप्यूटर के साथ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे पेन ड्राइव मुझे शो हो गया, लेकिन ये जो शो हो रहा है मुझे पेन ड्राइव, ये हो रहा है मुझे मेरी मेन विंडो में। ओके, जो एक्चुअल विंडो में मैं यूज़ कर रहा हूँ यानी कि विंडोज 10। ओके, यहाँ पे आ गया ये यूएसबी। ओके, हमारे पास पर जो मेरे पास वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटु, वहाँ पे मुझे ये पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी मुझे ये पेन ड्राइव शो हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा इस वक्त, ये सपोर्टेड नहीं है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो किस तरह से इसको सपोर्टेड बनाना है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो हमें सबसे पहले अपनी मशीन ऑफ करनी पड़ेगी वर्चुअल बॉक्स की, तो मशीन ऑफ कर लेते हैं। ओके, मेक श्योर कि आप मशीन को ऑफ करें, सेव द मशीन स्टेट मत चूज कीजिएगा। ओके, मशीन को ऑफ करना है, पावर ऑफ द मशीन। ओके, चूज किया एंड ओके किया एंड अब मशीन जो है ऑफ हो गई। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे और फिर जिस भी ओएस के अंदर, जो भी ओएस के अंदर आपको पेन ड्राइव को सपोर्टेड बनाना है उसको सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास काल लिनक्स है, जोरीन है, उबंटू है। ओके, तो मुझे उबंटू में सपोर्टेड करना है उस पेन ड्राइव को, तो क्या करूँगा मैं इसको चूज़ करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा। ओके, सेटिंग में जाने के बाद यूएसबी में जाऊँगा। ओके, यूएसबी में यहाँ पे आपको अनेबल रखना है इस चीज़ को, अनेबल यूएसबी कंट्रोलर, मेक श्योर कि ये चीज़ अनेबल्ड हो। ओके, उसके बाद आपको यूएसबी 2.0 या फिर यूएसबी 3.0 को चूज़ करना है। ओके, इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो, इसको चूज़ कर लिया मैंने 2.0 को। ओके, और उसके बाद आपको इस ऐड वाले बटन में क्लिक करना है। ओके, तो ऐड वाले बटन में आपको यहाँ पे अपने पेन ड्राइव का नाम दिखाई देगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सैंडिस्क मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं पेन ड्राइव को रिमूव करता हूँ लैपटॉप से, ओके, पेन ड्राइव को मैंने रिमूव किया, ओके, एंड फिर से ऐड पे क्लिक करूंगा, तो यहां से वो नाम हट जाएगा, इस डिवाइस का नाम हट जाएगा बिकॉज अब ये कनेक्टेड नहीं है लैपटॉप के साथ। तो मेक श्योर कि आपका जो पेन ड्राइव है कनेक्टेड रहे आपके लैपटॉप के साथ। तो इसको कनेक्टेड कर देंगे फिर से, डालता हूं फिर से। ओके, तो हमने इंसर्ट कर लिया फिर से। अब फिर से ऐड वाले बटन में क्लिक करेंगे। ओके, और यहां पे साइज का गया, इसको चूज करेंगे एंड ओके कर लेंगे। ओके, एंड फिर से सेटिंग में जाएंगे एंड यूएसपी में जाएंगे एंड इस जो सैंडिस्क हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट नो है इसका, तो रिमोट को हम यस कर लेंगे, यस कर लेंगे एंड ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड सेटिंग डिटेक्टेड हुई है, यहाँ पे इनवैलिड सेटिंग है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जिस पैकेज की रिक्वायरमेंट हमें है यूएसपी को कनेक्ट करवाने के लिए, वो पैकेज हमारे पास नहीं है, तो हमें उस पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ओके, तो फिलहाल इस सेटिंग को सेव कर लेते हैं। ओके, ओके कर लिया। ओके, इतना काम हो गया, अब हम उस पैकेज को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा एंड यहाँ पे हम ओपन करेंगे वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, तो वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गया ऑरकल वीएम। ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं साइट को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट की, ओके, प्रॉपर वाली। तो अब इस तरह की आपको वेबसाइट दिखाई देगी, लेकिन हमें यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड नहीं करना है, हमें डाउनलोड करना है पैकेज को। ओके, एक्सटेंशन वाले पैकेज को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे। ओके, साइड में ऑप्शन होगी डाउनलोड्स की, तो डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स 5.2.14 ऑरकल वीएम वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक। तो ये एक्सटेंशन पैक हमें डाउनलोड करना है, तो ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड ओपन इन न्यू टैब, जो भी करना है करो, एंड उसके बाद क्या होगा, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं नहीं करूँगा, तो कैंसिल। ओके, तो डाउनलोड करने के बाद अब हमें वापस जाना है अपने वर्चुअल बॉक्स में, तो अपना वर्चुअल बॉक्स फिर से ओपन कर लीजिए। ओके, तो ये रहा। अब हम कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, टॉप में आपको ऑप्शन होगी फाइल मशीन हेल्प, तो फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर प्रेफरेंस में जाइए। प्रेफरेंस के अंदर आपको जनरल इनपुट, अपडेट, लैंग्वेज, डिस्प्ले, नेटवर्क, एक्सटेंशंस मिलेगा, तो हमें एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में गए और यहाँ पे ऐड का एक बटन होगा उसे, ओके, तो इस ऐड वाले बटन को क्लिक कीजिए और फिर जहाँ कहीं पे भी आपने उस पैकेज को डाउनलोड किया है, ओके, मैंने अपने केस में किया है डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ओके, तो इस फोल्डर के अंदर मैंने डाउनलोड किया था उसको, तो इस उस पैकेज को सिलेक्ट कर लो, पैकेज को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। ओके, एंड फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लो
एंड इसको हमें एग्री करना पड़ेगा. ओके तो पूरा स्क्रॉल करना है इसको नीचे की तरफ. ओके पूरा स्क्रॉल कीजिएगा इस तरह से, फिर एग्री और डिसएग्री की ऑप्शन आएगी, फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. यस करना हमें यहाँ पे, तो इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी देर लगेगी तो वेट कीजिए. ओके तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कुछ ही सेकंड लगे. ओके ओके करने के बाद फिर से ओके पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे फिर से सेटिंग में जाएंगे. ओके एंड अब यूएसबी में जाएंगे. इस बार हम कौन सी सेटिंग में गए हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की ही सेटिंग में गए हैं. ओके तो राइट क्लिक सेटिंग एंड यूएसबी. ओके तो अभी भी यहाँ पे इनवैलिड सेटिंग आ रहा है हमारे पास. ओके राइट क्लिक एंड यस पे चूज करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे यूएसपी 3.0 चूज कर रहा हूँ. ओके एंड ओके कर लेता हूँ एंड सेटिंग सेव हो गई. एंड अब इसको स्टार्ट करते हैं. ओके तो स्टार्ट करेंगे अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से. सॉरी. ओके तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया फिर से, तो वेट करते हैं थोड़ी देर. ओके तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल पड़ा. ओके तो अब चेक करते हैं फाइल्स में जाके कि शो हो रहा है हमें यूएसपी की नहीं. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूएसपी हमें शो हो रहा है. तो ये रहा यूएसपी हमारे पास. ओके तो यूएसपी अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है. ओके तो इस तरह से हम कनेक्ट करवा सकते हैं हमारे पेन ड्राइव को हमारे वर्चुअल बॉक्स के साथ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाय, टेक केयर. सॉरी गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसको असेस कर रहा था ओके तो कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे आ रही थी मेरे लिए. ये क्यों आ रही थी, ये इसलिए आ रही थी बिकॉज ये जो पेन ड्राइव है इसके अंदर कुछ ऐसी करप्टेड सी चीज़ें हैं. ओके कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो कि ओपन नहीं होती हैं. ओके इस वजह से ये ओपन ही हो रहा था. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं डिस्क में जाऊं ओके और फिर इस पेन ड्राइव को ओपन करूं, सॉरी इस पेन ड्राइव को इंसर्ट करूं, तो यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा सैन डिस्क आ रहा है. ओके तो यहां पे ये आ रहा है, ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा सिर्फ और सिर्फ बिकॉज इसके अंदर कुछ अलग सी फाइल्स हैं सिर्फ और सिर्फ. ओके इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा. फिर से रिमूव किया और चला गया, और फिर से इंसर्ट किया और आ गया. ओके तो आ जा आ गया. ओके तो आ गया. तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है. ओके तो इसलिए वो चीज़ हो रही थी कि मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा था. बस अब बाय, टेक केयर.